खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। सदन में स्कूलों के खाली पड़े भवनों का मामला भी गूंजा। विधायक रामलाल शर्मा के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछली सरकार के समय इन स्कूलों को बंद या मर्ज करने से प्रदेश में 19,754 स्कूलों के भवन आज भी खाली पड़े हैं और इन सभी जगहों पर प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अगर नियमानुसार विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी तो इन स्कूलों को वापस खोला जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा कि 2019-20 में 50 स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक केवल 2 स्कूल ही खोले गए हैं, तो डोटासरा ने कहा कि प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद इस सत्र से नए स्कूल खोले जाएंगे। सदन के नेता ने पिछले बजट भाषण के अंदर घोषणा की थी कि इस सत्र के अंदर 50 प्राथमिक विद्यालय खोली जाएगी और आपने जवाब दिया कि सिर्फ 2 स्कूलें आपने खोली है, एक आपने अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र में खोली है, एक बांसवाड़े में खोली है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी प्राथमिक विद्यालय मर्ज की थी वो नियमानुसार की थी, और यदि वो नियमानुसार नहीं की थी तो आप हमेशा आरोप लगाते हो कि 20,000 प्राथमिक स्कूलें बंद कर दी, तो आप 20,000 प्राथमिक विद्यालय कब खोलने का विचार रखते हैं? आज की तारीख में भी 19,754 माननीय अध्यक्ष महोदय विद्यालय हैं जो भवन बिल्कुल इनको बद्दुआएं दे रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे उस भवन में नहीं पढ़ सकते। बैठिए 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 मैं उत्तर देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी मैं कहना चाहता हूं जयपुर जिले में भी 1,324 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं बंद करने के कारण से। आपके चोमू में आपके चोमू में भी 97 भवन खाली पड़े हैं और हमने प्रस्ताव मंगाए हैं कि आपने जो गलतियां की राजस्थान के बच्चों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, हम उनको प्रस्ताव मंगा चुके हैं और ये जो सेशन चालू होने वाला है उसमें वो विद्यालय सारे जितने आरटी नॉर्म्स के विपरीत बंद के खोलने का काम करेंगे।